नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लाल पठार हादसे के बाद आज शाम क्षेत्रीय विधायक श्रीमती लीला जैन, जिलाध्यक्ष राकेश जादौन, वरिष्ठ नेता प्रभाष शर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता और कार्यकर्ता पार्षदों ने मृतक और घायल परिवारों के घर घर जाकर सूखी खाद्य सामग्री बांटी और परिवारों को सांत्वना देकर ऐसे समय में धैर्य से काम लेने को कहा है। विधायक श्रीमती लीला जैन ने परिजनों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह उनकी हर संभव मदद करेगी, उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्हें हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। विधायक द्वारा वितरित सूखी खाद्य सामग्री में आटा, दाल, चावल, सब्जी, तेल, मसाले वितरण किए गए। इसी कार्यक्रम के दौरान पिता की मृत्यु के बाद दो बेटियां पढ़ाई की जिम्मेदारी ली गई है। विधायक द्वारा परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण करते समय एक परिवार की स्थिति देखकर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभाष शर्मा ने अपनी माताजी श्रीमती चंद्र शर्मा की ओर से दोनों बेटियों की पढ़ाई का जुम्मा अपने ऊपर लेने की इच्छा जताई है, जिस पर तुरंत विधायक ने उपस्थित ग्रामवासियों से सामने घोषणा की। घोषणा में बताया गया, इस हादसे में पिता की मृत्यु हो जाने के बाद दोनों बेटियों जहां तक भी पढ़ना चाहेंगे उन्हें पढ़ाया जाएगा और पढ़ाई में जो भी खर्च आएगा वह स्वयं वहन करने की घोषणा की गई है। इस अवसर पर मौजूद ग्रामवासियों की आंखों में आंसू आ गए। मौजूद ग्रामवासियों ने विधायक जैन और प्रभाष शर्मा के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपने इस परिवार की ली है, जिसे इस परिवार को राहत मिलेगी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, पार्षद और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रही है। इस हादसे में शांत हो गए और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इनकी माताजी की ओर प्रभात जी शर्मा और इनकी माताजी श्रीमती चंद्रा शर्मा के द्वारा इन दोनों बेटियों को इनकी पढ़ाई के लिए गोद लिया है। पढ़ाई के लिए जहां तक ये पढ़ना चाहेंगी वहां तक इनकी पढ़ाई का पूरा हर खर्चा, ड्रेस, कॉपी किताब, स्कूल फीस सब प्रभात जी शर्मा पिता के परिवार के द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई है। मैं इस मौके पर उनके प्रति श्रद्धा से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है। निश्चित ही हम दोनों बेटियों के लिए संबल मिलेगा और ये बेटियां आगे बढ़े, ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं। मंत्री जी ने 5 लाख रुपए का घोषणा कर चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 लाख की घोषणा की है। आगे भी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। अगर संबल में नाम नहीं है वो बीपीएल कार्ड, इसके अलावा जो भी सुविधाएं हो सकती हैं वो पूरी सुविधाएं इन लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। एक की पिता या बच्चा कमाकर अपना घर चलवाता था, क्या उनमें से किसी भी सरकार द्वारा सरकारी नौकरी या कुछ ऐसा किया जाएगा वो परिवार चला सके? विपक्ष ने भी मांग की है इस विषय में। देखिए, घटना बड़ी दुखद है पीड़ित परिवार की। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी में आई, उनकी 3 पुत्रियों की शादी थी, तत्काल उन्होंने कलेक्टर एसपी को कहा कि आप वहाँ घटना स्थल पर जाएं। हम सबको भी निर्देशित करा, हम तत्काल घटना स्थल पर आए और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन हमारा ऑपरेशन पूरा हुआ, 5 लाख रुपए की घोषणा की थी, वो 5 लाख रुपए के चेक हम पीड़ित परिवारों को दे चुके। जो घायल हुए हैं उनको 50,000 का चेक प्रदान कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2-2 लाख रुपए जिनके घर में मृत्यु हुई उनके लिए दिए हैं। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राशन का वितरण किया जा रहा है। और जो पीड़ित परिवार की आपने कहा है, तो सरकारी नौकरी के लिए परीक्षण कराया जाएगा, अगर कोई पात्र व्यक्ति है तो उसकी हर संभव प्रयास होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि पीड़ित परिवार में अगर कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति है तो उसको आवश्यक रूप से सरकारी नौकरी दिलाएं। एक कुएं के द्वारा। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।